ये देखो, पड़ोसियों ने यहाँ फ्लावर्स लगा रखे हैं छोटे छोटे, जो हमारे डब्बे नहीं होते बचे हुए उन्हीं में, जैसे ये बोतल के, इनमें फ्लावर्स लगा के सजा रखा है। ऊपर से देखते हैं अब कैसा लग रहा है ना लुक। अब बस अभी साफ़ सफाई करेंगे भैया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। और बाकी मैं प्लांट्स इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि यार उसको ना कल को बाहर चले जाएँ, कुछ हो मुरझा जाए, डर लगता है। ये देखिए आप इस तरीके से अभी थोड़ा सा आपको दिखाया है मैंने। कह रहे हो पापा जी? हाँ, टॉफियां लेके आ गया भाई। एक मुझे दे 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 दी, दूसरी भी दे दे। लाओ जी, दोनों दे दी, शरीफ सा बच्चा है मेरा। चलो अब घर चलेंगे, बाय विहान। ले ले ले, रोया भी नहीं ना, बस मुंह बना दिया, उदास तो हो गया। ये लो टॉफियां लेकर आया है मम्मी, टॉफियां। और ये देखिए मम्मी मिस्त्री भैया के लिए लाए हैं ठंडा ठंडा जल, शीतल जल। इसको ना गर्मी चढ़ के अंदर ले जा। हाँ मम्मा। यहाँ खाने में है दही, साथ में दो पराठे हैं, सिंपल पराठे हैं, तो खिला देती हूँ मैं विहान को। यहाँ पर ना रात के करीबन 9 बज रहे थे और देखो कितने सारे बर्तन, मतलब इसमें से ना आधे बर्तन जूठे नहीं थे पर फिर भी मैंने सिंक में डाल दिए थे, क्योंकि जो ये टोकरा था ना मुझे इसको साफ़ करना था। तो इस टोकरे को मैंने पहले ना बाथरूम में जाके पूरा अच्छे से, मतलब विम बार लगा के क्लीन किया, उसके बाद मैंने नीचे का जैसे जहाँ टोकरा रखा हुआ है वो भी जगह साफ़ करी थी। उसके बाद ये देखिए मैंने सारे बर्तन, मैंने कहा दोबारा से ही मैं वॉश कर देती हूँ, थोड़े से ना पुराने हो गए थे, जैसे धुले हुए बर्तन थे बट उसमें ना थोड़ी सी स्मेल सी आने लग जाती है, कई दिन पुराने हो ना, बर्तन भी पुराने रखे हुए थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे बर्तन बस धो रही थी और आप सबके कमेंट्स आते हैं कि एक तो वो ले लो बर्तनों का स्टैंड, तो मैं अब ले लूँगी आने वाले दिनों में, लेकिन मैं दूसरा जो नया घर है ना उसके लिए लूँगी, तो आधे बर्तन ना वहाँ पहुँचा दूँगी, कम कर दूँगी फिर मैं, बर्तन थोड़े से कम होंगे। वैसे इतने ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं होती बट ना मम्मा क्या करते हैं ना, वहाँ से भी दूसरे घर से भी ले आते हैं, कभी कोई बर्तन आ जाता है, कभी कोई, ऐसा करते करते थोड़े थोड़े से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ की ना रसोई की सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मैं रात को करके ही सोती हूँ काम, रसोई का पूरा सेट करके रखती हूँ रसोई, ताकि सुबह ना जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना हो तो रसोई क्लीन मिलती है ना, तो खाना बनाने का भी मन करता है। और दूसरी चीज़, मेरा जो बेडरूम है ना वो रसोई के साथ अटैच है, तो अगर मैं जूठे बर्तन रसोई में छोड़ दूँ रात को ना तो वो स्मेल आती है, फिर उनकी जो स्मेल हो जाती है ना वो कमरे में आ जाएगी, क्योंकि कमरे के साथ अटैच है रसोई। तो इसीलिए ना मैं रसोई का मैं बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखती हूँ कि रसोई हमेशा क्लीन रहे, साफ़ सुथरी रहे। तो इसके बाद देखिए मैंने बर्तन धो दिए थे, उसके बाद मैं करीबन कल जल्दी सो गई थी, रात को करीबन करीबन 11 बजे सो गई थी, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आप पूछो मत। तो ये देखिए हाँ, मैंने बर्तन सारे क्लीन कर दिए थे। बर्तन क्लीन करने के बाद ये देखिए मैं सिंक भी साफ़ कर देती हूँ, और ये देखिए इससे मैं ना पूरा जैसे कई बार रुकावट हो जाती है उसको भी ठीक से निकाल देती हूँ। और ये देखिए रसोई भी पूरा सेट कर दी थी, गैस स्टोव भी मैंने क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैं सो। मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ लहसुन और अदरक की, और ये देखिए ये मम्मी ने बनाया है इतने सूजी का हलवा, बस विहान लायक, थोड़ा सा ठंडा हो गया ना इसलिए थोड़ा सा जम गया, घी में बनता है ना तो हलवा जम जाता है थोड़ा सा। ये देखिए खाना तो मैं आराम से बना दूंगी, अभी मोटर चलाई है तो पानी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए कूलर में पानी भरना था बट ये कूलर में पानी शायद मम्मी ने एक दो बाल्टी ना सुबह भर दिया, तभी ये मेरे को लेवल इसका फुल लग रहा था, तो इसीलिए इसमें बस मैं छोटे डब्बे से 2-4 डब्बे ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा लेवल ऊपर आ जाए। क्योंकि ना अभी क्या है ना, हमारा पंखा ख़राब हो रखा है तो दिन में भी हम कूलर ही चलाते हैं, मतलब पूरा दिन चल रहा है, ये लगा लो अभी कूलर की बहुत ज़रूरत है। तो देखो जब पंखा ठीक
ठीक हो जाएगा फिर तो हो जाएगा। मैं एक मिनट आपको ना अपनी कुछ पुरानी फोटोज शेयर कर रही हूँ, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा। एक्चुअली आप सबके भी कमेंट्स आते रहते हैं, आप अपनी पुरानी कुछ फोटोज शेयर करो। तो ये देखिए, ये मेरी उस दिन की फोटो थी शादी के बाद, जिस दिन मेरे देवर को देखने के लिए आए थे। तो मैं इस तरीके से मैंने भी ये सूट पहन लिया था, पंजाबी सूट पहना था, और वैसे ही दो चार फोटोज क्लिक कर ली थी मैंने। इसके बाद ये जो फोटोज आप देख रहे हो, ये मेरी ऑफिस की थी, जब मैं ऑफिस में जाया करती थी, नौकरी कर रही थी। तो बस ऐसे ही कुछ कुछ फोटोज मैं क्लिक करवा लेती थी। तो मैं ना, पता है, प्रेगनेंसी में, जैसे विहान होने से पहले मैं बहुत पतली थी, मेरा 60 kg वजन था। उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी के बाद मेरा 78 हो गया था। उसके बाद अभी मेरा इस टाइम 67-68 इतना है। तो अभी भी थोड़ा सा है, प्रेगनेंसी वेट तो है 7-8 kg। बस वही अटेंशन स्ट्रेस इतना हो गया कि मुझसे हो भी नहीं पाया कम इतनी टेंशन में। फटाफट कटिंग करके हम लोग बना लेते हैं। कच्ची है घिया तो ठीक है, कई दिन हो गए रखे हुए इसको ना। हाँ बच्चे, मेरे को ना घिया की सब्जी दो तरीके से, मतलब मेरे को घिया की सब्जी अच्छी लगती है खाने में, मैंने बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने घिया देखिए पूरी अच्छे से कट कर दी है। टमाटर है, ये लहसुन और अदरक है, और इसमें मैंने घी ऐड किया है। छोंक मैंने लगा दी है, अभी इसमें 2-3 सीटी आएगी तो मैं बंद कर दूंगी। इसके अलावा इतने मैं क्या करती हूँ, बर्तन धो देती हूँ जो इकट्ठे हुए हैं। बर्तन देखिए सारे मैंने धो दिए हैं, लगा दिए यहाँ पर, और इसमें अभी पहली सीटी आने वाली है बस। ये विहान एक्चुअली क्या करता है ना, कुकर को नीचे गिरता रहता है, इसके साथ कुकर के साथ खेल खेल के ना इसने हवा निकलने लगी है इसमें। है वो बन जाएगा बेटा, कुछ नहीं है, खाना देगा कुकर हमें। कुकर की आवाज से नहीं डरते बच्चे, अब मैं क्या करूं, अब ये कुकर तो खाना तो बनाना भी है क्या। बस 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 बेटा, पर शांत हो जा मेरी वानो, मेरी वानो शांत हो जा बच्चे। देख ले अपना कार्टून देख ले, शांत हो जा, शांत शांत हो गया हो गया हो गया हो गया, बन गई सब्जी बन गई बेटा, खाना तो बनेगा ना। बहादुर बच्चा है ना विहान, बहादुर है ना, डरते नहीं बच्चे, बेटा डरते नहीं, पीछे डर गए। देखो देखो देखो, सब कहेंगे विहान तो डरपोक है। ला मैं बंद कर देती हूँ, रुक जा मैं बंद ही कर देती हूँ, बस ये आखिरी सीटी आने दे, अभी गैस बंद हो जाएगा। खाना पीना हमारा हो गया, और ये देखिए पापा जी आ गए हैं, और भैया लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम ना ये बाथरूम ये करते हैं ना, क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो यहाँ पे बहुत गंदगी सी हो रखी है, तो यहाँ थोड़ा सा काम करवा रहे हैं हम। बची हुई टाइलें हैं थोड़ी थोड़ी सारी हैं, तो थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पे, यूज़ हो जाएगा। और ये देखिए मेरी मम्मी भी आ रहे हैं, आ गए हैं पापा जी के साथ। आए हो मम्मी आप, अभी पापा जी भी आए, आप भी आए, आप पैदल आ रहे हो, पापा जी स्कूटी पे क्यों? अच्छा पहले निकल गए थे घर से। हाँ तो पापा जी अभी पेंट भी शुरू हो जाएगा अब हमारे घर में पेंट, आज भैया आप ले आना ठीक है, पेंट जाके पसंद करके खुद ही ले आना। यहाँ पे भैया ने नीचे टुकड़े क्यों जोड़े हैं, मैं हटवाऊंगी अभी ये कह के, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये चीज क्यों करी है भैया ने, क्योंकि ये देखो ना पूरी की पूरी जब ये टाइल रखी हुई थी, ये पूरी ये लग जाती, देखो मैं लगा के, रुकी एक मिनट भैया, यहाँ पे आप ये देखना जरा थोड़ा सा, यहाँ आपने 3 जॉइंट निकाल दिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे ये बड़ी टाइल देखो रखी हुई थी, तो आप दो ही जॉइंट लगा देते यहाँ नीचे, बड़ी टाइल दिखी कौन पाड़ता है ना, यहाँ पे 3 जॉइंट आ गए, मुझे ये चीज थोड़ी अजीब सी लग रही है। यहाँ एक ही आना था, एक ही में हो जाएगा जॉइंट ना, देखो यहाँ पे 2 बीच में आ गए। हाँ ये वाली लगा देना, इसमें जॉइंट लगा देना जोड़ के। देखिए भैया यहाँ से टाइल लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे लगा रहे हैं, बोलते पहले वहाँ का काम कर लेते हैं। तो अभी वहाँ पे ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, रुकिए। मैंने ना कुछ टाइल्स थी जो कि यहाँ के लिए मंगवा रखी थी, ये हिस्सा है ना यहाँ के लिए,
तो मम्मी बोल रहे हैं यहाँ के लिए दोबारा और मंगवा लियो, वो टाइलें लगवा दे वहाँ पे, थोड़ी सी जगह पक्का करवा करना होता है। मम्मी कह रहे हैं मेरे को कपड़े वपड़े धोती हूँ मैं, वहाँ पे काम करती हूँ तो वो काम करवा दे। मैं एक्चुअली चाहती थी वहाँ पे घास लगवाना, इसलिए मैंने वो जगह छुड़वा रखी थी। मम्मी बोलते 6-7 महीने हो गए आज तक तेरी घास नहीं लगी, तूने आज तक घास लगवाई नहीं, अब जब हम मैं अपने हिसाब से मुझे चलने दे। तो अब ठीक है भाई, वहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा, मतलब उस एरिया को भी थोड़ा ठीक करवा देते हैं। आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे, और यहाँ पे मैं विहान को भी लेके आई हुई हूँ। अभी मैंने बाल नहीं बाए हैं, कंघी नहीं करी है, बालों की कंघी करूँगी, और नहाई भी नहीं हूँ अभी मैं सुबह से। और आप देख सकते हो, देखो दाने निकल गए हैं। तो बस अभी जाते हैं, गर्मी की वजह से आम वाम खाते हैं ना हम, तो अभी मैं जा रही हूँ घर, नहाती हूँ। नहाने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको वहाँ का मेकओवर लुक दिखाऊंगी, मैं मीन्स वहाँ का फ्लोर वाला काम कंप्लीट होने के बाद ढंग का अच्छा लुक दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यहीं एंड कर देती हूँ, और हाँ पेंट भी भैया लेकर आएंगे, उनसे बात हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और ये मैं अभी साफ करूँगी, ये देखो निकल जाएगा, ये देखो निकल जाएगा, टेंशन ना लो, ख़राब नहीं हुई है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।